नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लगातार कमेंट एंड डिमांड के अनुसार स्पोर्ट्स का लास्ट एंड आखिरी वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि इससे पहले पार्ट वन एंड टू वीडियो जो है ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। ये स्पोर्ट्स का लास्ट वीडियो है, यानी पार्ट थर्ड वीडियो है। इसमें पूरा जो है तीन पार्ट में हम लोग जितना स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं टोटल जो है हम लोग देख चुके होंगे, ठीक है। और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं इस चैनल पे जितने भी स्टूडेंट फीडबैक करते हैं उसी टाइप के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो है स्पेशली वीडियो तैयार किया जाता है, एंड जो कि गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आज ही के दिन जो है चर्चित तूफान, खेल रत्न, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और भी देख सकते हैं महत्वपूर्ण पुस्तक, खेल परिवर्तन नाम, फिल्म के निर्देशक, एंड और भी है संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं, मुख्य न्यायाधीश, पुस्तक उनके लेखक, नवीनतम कौन क्या, चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण पुस्तक समान। इसी तरह से जितने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली जहां जहां से जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं एग्जाम के लिए, वो जो है इस चैनल पे स्पेशली वीडियो बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं आज के स्पोर्ट्स के सबसे महत्वपूर्ण सेशन को देखते हैं, ठीक है। दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो इस चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है जितना जल्द हो सके चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि मैं जितने इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल तक पहुंचे। और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर किसी को फायदा हो सके। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। दोस्तों, आज खेल जगत विजेता में जो है जितना जो है कौन सी टीम ने जीता है, कौन सी टीम ने हारा है, पूरा डिस्कस करेंगे। जिसमें बता देना चाहता हूँ, अंडर 19 विश्व कप है टॉपिक में इंक्लूड किया हुआ, एशिया कप, रणजी ट्रॉफी, फ्रेंच ओपन, संतोष ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सुल्तान अजलन शाह कप, थॉमस कप, हॉकी चैंपियनशिप, एशिया कप, देवघर क्रिकेट ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, ब्लाइंड कप, अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप, महिला एशिया कप, आईपीएल 2018। दोस्तों, यानी जितने भी महत्वपूर्ण खेल खेले गए हैं, वो सभी का जो है ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसीलिए जो इससे पहले पार्ट वन एंड टू नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 विजेता टीम रही है दोस्तों भारत, उप विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 में भारत ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, देख सकते हैं अपना इंडिया का टीम है, ठीक है। एंड ये मैच खेला गया था दोस्तों 13 जनवरी से 3 फरवरी 2018 तक। ये जो विश्व अंडर 19 विश्व कप 50 ओवर का होता है, एंड मेजबान किया था ये मैच न्यूजीलैंड, एंड विजेता भारत ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रतिभागी टीम बता देना चाहता हूँ, टोटल 16 टीम ने ये मैच में पार्टिसिपेट किए थे, टोटल जो है 48 मैच खेले गए हैं दोस्तों। एंड मैन ऑफ द सीरीज की बात करते हैं इस मैच में, तो सुमन गिल को मिला है, सर्वाधिक रन बनाने वाले एलिक अथानजे को मिला जो कि 418 रन बनाए थे। उसी तरह से सर्वाधिक विकेट लेने वाले अनुकूल राय जो कि 14 विकेट लिए थे, एंड क्वाइस अहमद ये भी जो है 14 विकेट लिए थे, एंड फैसल जामखंडी जो कि ये भी 14 विकेट लिए थे। दोस्तों, इतना आप लोगों के जानना बहुत जरूरी है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018, ठीक है। दोस्तों, देख सकते हैं इंडियन चैंपियंस रहा था। चलते हैं अब नेक्स्ट गेम की ओर, आ जाइए एशिया कप 2018, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन दिखने को जरूर मिलते हैं, इसीलिए आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और कुछ भी डाउट हो जो है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं दोस्तों, एशिया कप 2018 के विजेता टीम रही है भारत, एशिया कप 2018 में भी जो है अपना भारत ने ही ट्रॉफी जीता है। उप विजेता की बात करते हैं दोस्तों, बांग्लादेश उप विजेता टीम रही है, ठीक है, देख सकते हैं इंडिया
टीम जो है चैंपियंस है, फोटो में देख सकते हैं। एशिया कप बता देना चाहता हूं दोस्तों, एशिया कप 2018 15 से 18 सितंबर 2018 को खेला गया था, प्रशासक रहा था एशियाई क्रिकेट परिषद। एंड बात करते हैं दोस्तों, मेजबान किया था दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने, जो है यूएई ने मेजबान किया था। विजेता रहा है भारत, ठीक है। प्रतिभागी टोटल 6 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, और बता देना चाहता हूँ कि खेले गए मैच टोटल 13 मैच खेले गए थे। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों कि एशिया क्रिकेट कप जो है भारत इंडिया देश ने जीता है, और बांग्लादेश को हरा करके, इतना आप लोग को याद करना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रणजी ट्रॉफी, इसको भी आप वीवीआई लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। रेलवे के एग्जाम में इससे जो है 2-3 शिफ्ट में जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए आगामी एग्जाम में भी जो है आने की उम्मीद है दोस्तों। रणजी ट्रॉफी 2017-18 की बात करते हैं, विजेता टीम विदर्भ रही है, ठीक है। विदर्भ टीम ने इस बार रणजी ट्रॉफी जीता है, उप विजेता बता देना चाहता हूँ दिल्ली रही है, दिल्ली टीम को हरा करके विदर्भ ने जो है रणजी ट्रॉफी पे कब्जा किया है, देख सकते हैं रणजी ट्रॉफी। एंड रणजी ट्रॉफी में बता देना चाहता हूँ दोस्तों, 6 अक्टूबर 2017 से 2 जनवरी 2018 तक ये खेला गया था। एंड प्रशासक जो है बीसीसीआई ये मैच को करवा रहा था दोस्तों। एंड क्रिकेट पारू प्रथम श्रेणी क्रिकेट बात करते हैं दोस्तों, मेजबान ये भारत में हुआ था। विजेता टीम विदर्भ है, जो कि ये एक खिताब जीता है। प्रतिभागी टोटल टीम था दोस्तों 28 टीम ने जो है रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किए थे। एंड खेले गए मैच टोटल 91 मैच इसमें खेला गया था। सर्वाधिक रन जो है मयंक अग्रवाल ने बनाए थे, जो कि 1160। सर्वाधिक विकेट दोस्तों जलज सक्सेना 44 विकेट लिए थे। इतना आप लोगों के लिए ये रणजी ट्रॉफी के बारे में जानना जरूरी है। मेनली ये है कि रणजी ट्रॉफी कौन टीम ने जीता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आज एग्जाम में देखने को मिलता है, तो रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने जीता है, किस टीम को हरा करके, दिल्ली टीम को हरा करके। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेंच ओपन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप वीवीआई लगा लीजिए, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंच ओपन में बात करता हूँ दोस्तों, पुरुष वर्ग में जो है राफेल नडाल ने जीता है दोस्तों। पुरुष वर्ग में ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीता है। और बता देना चाहता हूँ कि राफेल नडाल जो है स्पेन के प्लेयर है, ठीक है। महिला टीम ने सिमोना हालपे ने जीता है, जो कि ये सिमोना हालपे रोमानिया के प्लेयर हैं, ठीक है, रोमानिया याद कर लीजिएगा। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राफेल नडाल कहाँ के, तो स्पेन के, डायरेक्ट याद कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन की, देखते हैं दोस्तों फ्रेंच ओपन में देखते हैं टूर्नामेंट हुआ था कब, ये 23 मई से 6 जून तक ये मैच चला था। स्थान देख लेते हैं कहाँ हुआ था, रोलैंड गैरोस, जो कि पेरिस में पड़ता है, ठीक है। करंट मेंस सिंगल चैंपियंस में राफेल नडाल रहे थे, एंड करंट वुमेन्स सिंगल चैंपियंस में सिमोना हालेप रहे थे, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं यही ग्राउंड है। आ जाइए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई इसको भी लगा लीजिए, ठीक है। संतोष ट्रॉफी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी में बात करते हैं दोस्तों। विजेता इस वर्ष संतोष ट्रॉफी, ध्यान दीजिएगा 2018 की बात कर रहा हूँ, संतोष ट्रॉफी 2018 का विजेता टीम जो है केरल है, ठीक है। केरल जो है संतोष ट्रॉफी का विजेता टीम है। उप विजेता की बात करते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल उप विजेता है, ठीक है। केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा करके जो संतोष ट्रॉफी 2018 पे कब्जा किया है, ठीक है, देख सकते हैं फिगर में केरल विजेता टीम है वर्ष 2018 संतोष ट्रॉफी का। बात करते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ईरानी कप 2017-18, इसमें विजेता टीम की बात करते हैं। विजेता टीम रहा था दोस्तों इस बार का जो है विदर्भ टीम ने जीता है, ईरानी कप 2017-18 का जो है विदर्भ ने जीता है। उप विजेता की बात करते हैं दोस्तों, शेष भारत टीम जो है उप विजेता टीम है, देख सकते हैं विदर्भ टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी के साथ में है, यहाँ ट्रॉफी के साथ में दोस्तों, ठीक है, ईरानी कप लिए हुए है। एंड और भी देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट, हाँ, अब आ जाइए अजलान शाह कप, देख सकते हैं सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी जो है, हॉकी कप ये है, इसमें विजेता टीम रहा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में जो है विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया, याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
उप विजेता की बात करते हैं दोस्तों, इंग्लैंड जो है उप विजेता है, देख सकते हैं फिगर में अपने कप के साथ में प्लेयर चैंपियंस है। आ जाइए नेक्स्ट, थॉमस कप, बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण है। थॉमस कप बैडमिंटन में बात करते हैं, पुरुष वर्ग में दोस्तों 17-18 का जो है विजेता टीम रहा है चाइना, ठीक है। थॉमस कप बैडमिंटन पुरुष में जो है 17-18 में विजेता टीम चाइना रहा है, उप विजेता जो है जापान रहा है, ठीक है। चाइना ने जापान को हरा करके जो है थॉमस कप बैडमिंटन पुरुष वर्ग में जो है 17-18 में जीत हासिल किया है। उसी तरह से दोस्तों देख लेते हैं उबेर कप बैडमिंटन में महिला वर्ग में 17-18 में जो है विजेता जापान रहा है दोस्तों, एंड उप विजेता की बात करते हैं थाईलैंड रहा है, ठीक है। उबेर कप बैडमिंटन महिला वर्ग में जापान ने थाईलैंड को हरा करके ट्रॉफी अपने नाम किया है, ठीक है। देख सकते हैं जापान टीम जो है फिगर में। आ जाइए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018, इसे भी आप वीवीआई लगा लीजिए, ठीक है। हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 विजेता टीम की बात करते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत लिया है। उप विजेता की बात करते हैं भारत, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 जीता है, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं विनर टीम है, यहाँ पे इंडिया का टीम है, ये प्लेयर है। हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में जो है विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया रहा है दोस्तों, उप विजेता में भारत है। उसी तरह से बात करते हैं दोस्तों एशिया कप हॉकी पुरुष वर्ग में, देखते हैं 17-18 में विजेता भारत रहा, अपना इंडिया कंट्री है जो हॉकी में जीता है दोस्तों एशिया कप में, एंड उप विजेता की बात करते हैं मलेशिया, ठीक है। मलेशिया जो है उप विजेता है। एशिया कप हॉकी पुरुष वर्ग में दोस्तों विजेता भारत टीम रहा है, उप विजेता मलेशिया, भारत ने मलेशिया को हरा करके ट्रॉफी जो है अपने नाम किया है। देख सकते हैं इंडिया का टीम है दोस्तों हॉकी का, बिना टीम। अब चलते हैं देवघर ट्रॉफी, बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण ट्रॉफी है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। विजेता की बात करते हैं दोस्तों इंडिया सी जो है देवघर ट्रॉफी में विजेता टीम है, उप विजेता की बात करते हैं इंडिया भी उप विजेता है। देवघर क्रिकेट ट्रॉफी में दोस्तों इंडिया सी ने जो है इंडिया बी को हरा करके देवघर ट्रॉफी जीता है, कंफ्यूज नहीं होने का है क्योंकि यहाँ पे सी बी में कंफ्यूजन हो जाता है। इंडिया सी जो है देवघर क्रिकेट ट्रॉफी 2018 का विजेता टीम है, उप विजेता इंडिया बी, ठीक है। देख सकते हैं देवघर ट्रॉफी जो है विनर टीम है इंडिया सी। अब चलते हैं विजय हरारे क्रिकेट ट्रॉफी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। वर्ष 2018 विजेता टीम की बात करते हैं दोस्तों मुंबई, विजय हरारे क्रिकेट ट्रॉफी में विजेता टीम मुंबई है, उप विजेता की बात करते हैं दोस्तों दिल्ली, दिल्ली उप विजेता है। विजय हरारे क्रिकेट ट्रॉफी 2018 में जो है मुंबई ने दिल्ली को हरा करके खिताब अपने नाम किया है, ठीक है दोस्तों। और भी बात कर लेते हैं विजय हरारे ट्रॉफी जो है ये मैच खेला गया था 19 सितम्बर से 20 अक्टूबर 2018, प्रशासक यानी बीसीसीआई मैच करवा रहा था दोस्तों, ठीक है। क्रिकेट प्रारूप लिस्ट ए क्रिकेट, एंड बात करता हूँ विजेता टीम मुंबई रहा था दोस्तों। मुंबई अब तक के जो है 3 बार खिताब जीत चुके हैं, विजय हरारे ट्रॉफी जो है मुंबई अब तक 3 बार जीत चुका है, ठीक है। इस वर्ष का जो है वर्ष 2018 विजय हरारे क्रिकेट ट्रॉफी में जो है मुंबई ने जीता है। टोटल 37 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, मैच खेले गए थे 160, ठीक है। सर्वाधिक रन जो है अभिनव मुकुंद ने बनाया था 560, एंड सर्वाधिक विकेट शाहवाज नादिम जो कि 24 विकेट लिए थे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों यह और भी महत्वपूर्ण है, ये भी और भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे भी आप वीवीआई लगा लीजिए, ठीक है। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2018 की बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2018 विजेता टीम रहा है दोस्तों भारत ने, ये जो है अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप जीता है, एंड उप विजेता है श्रीलंका, ठीक है। भारत ने श्रीलंका को अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2018 में जो है हराया है, ठीक है। श्रीलंका को हराया है भारत ने, विनर टीम है दोस्तों भारत अपना इंडिया कंट्री, एंड उप विजेता श्रीलंका है, ठीक है। अंडर 19 एशिया कप में देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं इंडिया टीम है विनर टीम।
अपने क्रिकेट कप लिए हुए। अब चलते हैं और भी महत्वपूर्ण है, ब्लाइंड क्रिकेट कप 2018, इसे भी आप वीवीआई लगा लो, बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे के एग्जाम में इससे जो है क्वेश्चन 2-3 शिफ्ट में रिपीट हुए हैं, ठीक है, इसलिए आगामी एग्जाम में आने की उम्मीद है। ब्लाइंड क्रिकेट कप 2018 में विजेता टीम रहा है दोस्तों, भारत विजेता टीम है, उप विजेता पाकिस्तान, ठीक है, भारत अपना भारत देश ने जो है पाकिस्तान को हरा करके ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप पे कब्जा किया है, ठीक है। वर्ष 2018 में ब्लाइंड क्रिकेट कप जो है भारत टीम ने जीता है पाकिस्तान को हरा करके, देख सकते हैं अपना इंडिया कंट्री का टीम है ब्लाइंड क्रिकेट टीम, ठीक है। और भी चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, महिला एशिया क्रिकेट कप 2018, इससे भी आप वीवीआई लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। महिला एशिया क्रिकेट कप 2018 में विजेता टीम रहा है दोस्तों बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश विजेता टीम रहा है, उप विजेता भारत रहा है, ठीक है। महिला एशिया क्रिकेट कप 2018 में विजेता टीम बांग्लादेश है, उप विजेता भारत, बांग्लादेश ने भारत को हराया है महिला एशिया क्रिकेट कप में, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं विनर टीम है बांग्लादेश महिला क्रिकेट कप में, एंड ये इंडिया का प्लेयर है। और भी चलते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, महिला T20 विश्व कप 2018 की बात देख लो, विजेता टीम रहा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, महिला T20 विश्व कप 2018 में विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया रहा है, एंड उप विजेता की बात करते हैं इंग्लैंड, इंग्लैंड जो है उप विजेता रहा है महिला T20 विश्व कप 2018 में, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया है दोस्तों T20 विश्व कप महिला वाला वर्ग में, देख सकते हैं चैंपियंस जो है ऑस्ट्रेलियन टीम है महिला वर्ग के। और भी चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आईपीएल 2018, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखने को मिलते हैं, विजेता टीम रहा है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग जो है, आईपीएल सीजन 2018 इस वर्ष का जो है दोस्तों, आईपीएल 2018 का विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, एंड उप विजेता सनराइज हैदराबाद, ठीक है, देख सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी लिए हुए हैं यहाँ पे जो है, आईपीएल का ट्रॉफी लिए हुए हैं दोस्तों चेन्नई सुपर किंग सीएसके टीम जो है लिए हुए है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे भी एग्जाम में दिखने को मिलते हैं दोस्तों। ये जो है स्पोर्ट्स का पार्ट 3 वीडियो है, अब तक जितना भी महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स से रिलेटेड बनते हैं टोटल हम लोग 3 पार्ट में देख चुके हैं, इसीलिए आप लोग टोटल पार्ट को जरूर देखा कीजिए। मैं एक बार फिर दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे स्पोर्ट्स का आपको यहाँ पे चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं, बता देना चाहता हूँ स्पोर्ट्स का जो है, हाँ देख सकते हैं स्पोर्ट्स का यहाँ पे जो है वॉल्यूम 1 ये है दोस्तों, वॉल्यूम 2 ये है, ठीक है, पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है, एंड आज वाला जो पार्ट बनाया है दोस्तों ये पार्ट 3 है, यानी टोटल हम लोग 3 पार्ट में पूरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं टोटल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है आप लोग सेशन को एंजॉय किए हुए होंगे, वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार हम लोग मेहनत करके डाटा कलेक्ट करके जो है वीडियो स्पेशली तैयार करता हूँ, तो आप लोग को लाइक तो करने को बनता है दोस्तों, लाइक किया कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।